was a namaste dosto. Yay. हम जयपुर में हैं अभी और आपका हमारा जिंदगी में स्वागत है. मैंने भूल गई. तो हाँ, अभी हम जयपुर में हैं. आवर स्टोरी इज कंटिन्यूइंग. वी आर गोइंग टू द लॉयर राइट नाउ एंड हाँ, हम थोड़ा काम है आज, लीगल काम. और अर्जुन, यू वांट टू से समथिंग? बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाट टू से. एक्चुअली बहुत जरूरी काम सा है लॉयर वगैरह से मिलने के लिए, हमारे लॉयर से मिलने के लिए. क्योंकि यार पता है, हर चीज का सपोर्ट है अपने पास. सोशल मीडिया का सपोर्ट है, तो बॉलीवुड से भी सपोर्ट आने लग गया. मतलब जॉन अब्राहम सर ने बात करी है, हर चीज का सपोर्ट है. हम गलत नहीं है, हमने कुछ गलती नहीं की, एविडेंस आ रहे हैं. लेकिन अटका कहाँ पड़ा है भाई? कहाँ कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है. तो आगे और मतलब लॉयर ने भी मेरे को बता रखा था कि एक दो फाइलें और लगवानी है. लेकिन हमको पहले मुंबई जाके आना था, तो अभी जाके उनसे मिलके आएंगे. क्योंकि एक फाइल लगवानी है हमको, एक तो हाई कोर्ट में फाइलें लगवानी है, इधर उधर फाइल लगानी है, सारा आगे तक जाना है. पूरा का पूरा मैटर पूरा क्लियर करवा के आज आना है हमने. तो वही सीन है सारा का सारा ही करके. तो इसलिए हम जयपुर आए हैं. तो वेलकम टू जयपुर. वेलकम टू जयपुर में स्वागत है. पिंक सिटी. हाँ, और पिंक सिटी और पिंक साड़ी और आज राजस्थानी स्टाइल में पहनती हूँ. तो ये हमारा जयपुर है. Oh, I love that birds. I miss them. But I know in Mumbai we're gonna find them too. है ना? मैं बाद में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ. बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में जयपुर के लिए बहुत बुरा बोला है कि यार मैं जयपुर टूर करने वाला था, मैं जयपुर घूमने वाला था, लेकिन ये सब देख के नहीं आऊंगा. क्या देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, बुरे लोग आपको हर जगह मिलेंगे. आपको भरोसा होना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर. अगर हर जगह अच्छी होती है, लोग कहीं कहीं निकल जाते हैं कहीं ना कहीं से, तो वो और वो लोगों को रोकने के लिए होता है लॉ एंड ऑर्डर. और जिस जगह का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होता ना, उस जगह का थोड़ा मेस्ड अप हो जाता है सिस्टम. लेकिन उसके लिए आपको जयपुर को हेट करने की जरूरत नहीं है भाई. जयपुर बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए. आओ, यहाँ पे बहुत सारे किले हैं, बहुत सारे फोर्ट्स हैं, और इतनी इतनी खूबसूरत जगह है. स्पेशली नारगढ़ और अमेर का किला, इतनी इतनी अच्छी पहाड़ियाँ, पथरी का गेट जवाहर सर्किल में आई है. एक्चुअली सब हिस्टोरिकल प्लेस जयपुर में है और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लोग लाइक टूरिस्ट जयपुर में आना है. तो हाँ, ये अच्छा प्लेस है और आप गूगल कर सकते हैं. जयपुर एक्चुअली एक सबसे अच्छा और सबसे सेफ प्लेस है टूरिस्ट के लिए और नॉर्मल लोग के लिए. तो हाँ, तो इसलिए जयपुर अब्यूज मत करो. जयपुर अच्छा है. जयपुर अच्छा है. हाँ, और फाइट इज ओनली विद द सिस्टम राइट नाउ, नॉट विद द सिटी. हाँ, तो अभी मूड खराब नहीं है. लेट्स गो. ओके गाइस, सो लॉयर के ऑफिस में तो पहुंच चुके हैं. हेलो, ये क्या है? दो दो टोपी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे. हाँ, सोनो मम्मा का देखो आज ये क्या है, एक टोपी यहाँ पे एक टोपी यहाँ पे. तो गाइस बेसिकली मतलब ये है कि आज यहाँ पे आए हैं, पूरा बात बात करके जाएंगे, सारा आपको अपडेट करते रहेंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ. दो तीन एक दो चीज़ों का और हमको भी पता चला है, नई चीज़ें क्या क्या हुई है वो एक बार मैं लॉयर से डिस्कस करके मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या नई अपडेट हमारे पास आई है. तो वो सारा का सारा आपको बताना है और भी बहुत सारे काम है, सारे अपडेट करते रहेंगे. वी आर एक्चुअली नाउ इन आवर लॉयर्स ऑफिस और फाइलें उतारी जा रही हैं. बहुत ज़्यादा फाइल्स है. अच्छा, एक चीज़ और मेरे को पता चली कि मेरे खिलाफ अभी भी एक FIR है, 344 है या फिर ऐसे कुछ FIR है, पता नहीं कौन सी FIR है, कौन सा सेक्शन है, किस लिए है, कि मोलेस्टेशन वगैरह किसी लड़की का मैंने किया है, फिर कुछ भी है पता नहीं. इस रिगार्डिंग में ही है, अभी मेरे पास आएगी वो, तो मैं आपको देख बताऊँगा, यहाँ लगा दूंगा. तो वो किस चीज़ की FIR है, कैसी है, पूरा का पूरा सीन उसका पता चलेगा. तो उस अगला स्टेप है कि सबसे पहले तो उस FIR को क्वेश्चन करवाना है हमने, कि उसका FIR को कैंसिल करवानी है कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके, कि ये FIR गलत है और ये इसके खिलाफ मतलब हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये पूरी की पूरी फेक FIR है. और उसके अगेंस्ट दोबारा हमको भी एक दो FIR और करवानी पड़ेगी. और उसके बाद हाई कोर्ट में फेयर इन्वेस्टिगेशंस की कुछ एप्लीकेशन लगती है कि हमारे केस के अंदर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो नहीं रहा है. तो या तो पता नहीं वो फिर आगे उनका प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसेस है कि क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन ये एक दो एप्लीकेशन लगवानी है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा और जो FIR मेरे खिलाफ हो रखी है अभी उन्होंने बाद में करवाई है, जब CCTV फुटेज वगैरह रिलीज हुई है ना उसके बाद में, जब मेरे को अरेस्ट कर लिया था उसके बाद न्यूज़ में आया कि SCP साहब ने बोला था कि मैंने लड़की को थप्पड़ मारा, तब तक वो FIR मेरे को पुलिस ने अरेस्ट किया था खाली
पुलिस के साथ कॉर्पोरेट नहीं करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये FIR की है शायद, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक बार FIR की कॉपी मेरे पास आ जाए, उसमें डेट तो होगी, तो सारा आपको दिखा दूंगा। तो भाई बहुत तगड़ा सीन है यार, मेरे को तो पता भी नहीं था। अभी मतलब लॉयर्स को भी अभी पता चला, तभी उन्होंने हमको बुलाया कि आपके खिलाफ एक FIR और हुई है, अभी तक बताया नहीं उन्होंने, मतलब पुलिस वालों ने अभी तक। और जब आप मतलब मेरे खिलाफ एक FIR है जो कि मेरे बेल मिलने के बाद हुई है, रजिस्टर हुई है, तो भी पुलिस ने मेरे को एक कॉल तक नहीं किया कि भाई आपके खिलाफ एक FIR है, या फिर आपको पैसे देनी है, या फिर हाजिर होना है, कुछ भी करना है। उन्होंने लिख के रख ली कि आगे फ्यूचर में काम आएगी, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसे लिख के रख ली कि फ्यूचर में काम आएगी, FIR अभी लिख लेते हैं। तो अभी आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा घपला हो रहा है यहाँ पे, कितना बड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा है जज, जो रिटायर्ड जज साहब जो सुरेंद्र स्वामी जी हैं उनका। तो नमस्कार सर, बस बढ़िया बढ़िया चलती रहती है। हाँ अरे काका जी, ओके गाइस, सो विद सोनू एंड पीनट नाउ, और सर से बात हो चुकी है, सारा मैटर सॉल्व कर देंगे एक दो दिन में। थोड़ा और मतलब वही एप्लीकेशन वगैरह लगाने का है, और जो फाइल है मैं आपको बता रहा था, जो मेरे अगेंस्ट में जो FIR है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें पूरी स्टोरी बताऊंगा मैं आपको, आज के वीडियो में शायद नहीं, फिर कभी मैं बताऊंगा। एक बार उसका थोड़ा प्रोसीजर करना है, उसके बाद में मैं आपको उसके रिगार्डिंग हर चीज़ बताऊंगा। अभी थोड़ा हो जाए क्योंकि अभी थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है वो, और उसके बाद में ही मैं आपको बता पाऊँगा। अभी तो जुली गई है अंदर कुछ पेपर्स वगैरह पे साइन करने के लिए, और मैं यहाँ पे अपने सोनू और पीनट के पास बैठा हूँ। एक्चुअली क्या सोनू को थोड़ी लग गई थी आज सुबह पैर के, पर बेड से कूदा था नीचे, उस पर फिसल गया था, उसको बेचारी का थोड़ा दर्द है। हेलो हाय, साइन हुआ? ओके ओके गुड, चले बाबू, चलो 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 न चलो चलो चलो। ओ भाई गाड़ी को क्या पार्क लगाया मैंने, ये देखो इतना सा गैप, दो उंगली का नहीं तीन उंगली का गैप है भाई, खतरनाक। बच गई गाड़ी टस्ते, वैसे आगे से टूटी हुई तो वैसे ही है, आज और टूट जाती और दीवार भी टूट जाती, बच गई भाई। एनीवेज नहीं वैसे, एनीवेज हिंदी में क्या कैसे बोलते हैं? एनीवेज वैसे भी कोई भी रास्ता, कोई भी रास्ता। पक्का? सच में? ओके, कोई भी रास्ता। Anyways, like वैसे is okay, वैसे yeah. चलो वैसे अभी हम हमारा रस्सी में है FIR की जगह पर, हाँ कायल मिलेंगे, कायल मिलेंगे, not कायल मिलेंगे, FIR, you said कायल, कायल, yeah, FIR मिलेंगे, क्योंकि कायल से मिलेंगे, FIR से मिलेंगे, ठीक है, तो FIR से मिलेंगे क्योंकि हम मुंबई पर शिफ्ट करेंगे और FIR पर जाएंगे, हाँ शिफ्ट करेंगे, करेगी हाँ। अरे क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? पता नहीं है मैं क्या करूँ। तो अरे वैसे अभी चलो चलो, और ये राजस्थानी बोर बन के बैठी आज है पूरा, राजस्थानी बोर, हिंदी नहीं बोल सकती हो, मारवाड़ी भी नहीं बोल सकती हो, पूरा एकदम टोपी वोपी लगा के घूंघट वूंघट निकाल के, है क्या बात है। I found the benefit, like I really like to use it now. Like it's nice. I can just do like this. Okay, good night. Okay guys, so made a break. Actually सोनू और पीनट का खाना खत्म हो गया है, तो उनका खाना खरीदने के लिए चली गई। हाँ बेटा आ रहा है तुम्हारा खाना, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? देखो भाई पूरा डॉग शॉप के अंदर पूरी आंखें गड़ा के रखी है इन्होंने, जूली अंदर है ना इसलिए ये वाली डॉग शॉप है, ये देखो उधर ही उधर देख रहे हैं, क्या चाहिए तुमको है? अरे आ जाएगा आ जाएगा, ठंड रख लो थोड़ी। ये जो बर्गर फ्रॉम द बर्गर गैराज, ये सच में ऐसा टोपा अजीब सा लग रहा है तुम पे, ये ना ये पर घूंघट वूंघट, हाँ सुई लगा लो बेटा, हाँ बस दो मिनट हो गया, बिल्कुल घूम गए। पीनट और मतलब सोनू का नहीं, पीनट का वैक्सीन हो चुका है, और अभी अभी हम जा रहे हैं घर वापस सीकर हमारे, क्योंकि हमारा सारे काम हो चुके हैं आज के, जयपुर के जितने भी काम थे सारे के सारे हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं घर, और अभी थोड़ा ब्रेक लिया बीच के अंदर इनको थोड़ा खाना वाना खिलाने का, और हमारा भी थोड़ा रेस्ट हो जाएगा क्योंकि कमर दुख गई थोड़ी गाड़ी चलाते चलाते, तो कोई नहीं चले सोनू घर पर खाना वाना खा लो आराम से, चलो चलो अभी बज चुके हैं एक्चुअली 10 बज चुके रात के, और डेढ़ घंटा और लगेगा, तो 10:30, 11:30 के आसपास पहुँचेंगे हम। कोई नहीं गाइस, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, वी लव यू एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, एंड बाय एंड सी यू टुमारो।